हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन मैकेनिक्स सीरीज का पहला चैप्टर है, यानी कि पहला लेक्चर है। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे SN1 और SN2, दो टाइप की हमारी रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो उसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री एज जाके। और अगर मेरे फ्री PDF नोट्स चाहिए हो तो मेरी वेबसाइट chemistryedge.com में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली होती क्या है ये, जल्दी अगर आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स पढ़ोगे तो उसमें एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का। ठीक है, कि कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है और वहां पर हमारे दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हमारा रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे दो टाइप की रिएक्शंस आती हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2 रिएक्शंस। बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस SN1 रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि वहां पर सिर्फ सिंगल हमारा एक ही रिएक्टेंट होगा। ठीक है, इसके सबसे पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म और एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में नीचे हम उसका फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम CBSE के हिसाब से जाएं तो काफी क्वेश्चंस इसके पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली बेसिस पे, और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी मैकेनिज्म पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा दिख रहा है हमारा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये हमारा अगर आप रिएक्टर में जाओगे तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड दिख रहा है। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी कि H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा बनता है एक तो H+ होगा और एक हमारा क्या निकलेगा OH-। ठीक है, H2O से क्या निकलता है, एक H+ और एक OH- साइंस हमारे निकलेंगे जिसमें OH- हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है। ठीक है, यानी कि OH-। ठीक है, जितने भी हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं वो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफिलिक जब रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो ब्रोमीन है उसको रिप्लेस करेगा OH- और हमारा क्या है OH हमारा यहाँ पर बनेगा टर्शियरी एल्कोहल और साथ में हमारा Br- हमारा निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन की हमारी बेसिक हमारी स्टेप होती है। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो इसकी टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो उसकी दो स्टेप हम लोग पहले देखते हैं और बाद में हम लोग फीचर्स देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा है कि ये हमारा क्या है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, यानी कि टर्शियरी एल्काइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, टर्शियरी एल्काइल ब्रोमाइड है। इसको जब हम H2O यानी कि H+ और OH- के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराएंगे तो जो पहला स्टेप होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल के साथ वो हमारा क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ठीक है, बहुत ही धीमा स्टेप होगा और एक तरफ से हमारा रिवर्सेबल स्टेप भी होता है। ठीक है, ये वापिस हमारी रिएक्शन भी हमारी रिवर्सेबल हो सकती है। तो पहले वाले स्टेप में क्या होता है कि हमारा क्या है, यहाँ से Br- हमारा निकलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो पहले रिएक्शन हमारा क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है और बाकी क्या क्या है हमारा RRR, ये तीन ग्रुप हमारे एल्काइल ग्रुप वैसे की वैसे ही लगे रहेंगे। ठीक है, स्लो स्टेप हमारी ये रिएक्शन होती है। तो ये एक तरफ से हमारी रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है, जैसा कि हमने केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ा है कि स्लो स्टेप हमारी जो होती है वो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो रिएक्टेंट है R2C+ R1 और R3, ये हमारा कार्बोकैटायन है। जब OH- आयन के साथ फिर इसको हम अटैक कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है और OH- हमारा यहाँ पर जाके अपोजिट साइड, ये जो हमारा एल्काइल हमारे तीन एल्काइल ग्रुप है लगे हैं उनके अपोजिट साइड जाके हमारा अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट क्यों अटैक होगा, क्योंकि ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ज्यादा होती है और जैसा कि आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप हमारे क्या होते हैं, बल्की ग्रुप होते हैं। तो बल्की ग्रुप है, इसके कारण क्या होगा कि ये हमारा OH- यहां से अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि यहां से कहीं ऐड नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में OH- हमारा यहां से अटैक करेगा यहां से और यहां पर जाके फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी रिएक्शन को हम लोग रिटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, रिटेंशन बोलते हैं मतलब कि अगर हमारा जो एल्काइल हैलाइड है, जैसे हमारा ब्रोमाइड है, ये हमारा ब्रोमीन है और उसी की जगह हमारा OH- लग जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन।
ठीक है। इसी की तरह एक और हमारा होता है इन्वर्जन, जो हम लोग SN2 रिएक्शन में देखेंगे। उसमें क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो हमारा ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। अब इसके हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो कंपाउंड हमारा बन रहा है इसको ध्यान से देखना, ये फाइनल जो कंपाउंड बन रहा है ये हमारा एक तरफ से ऑप्टिकली हमारा एक्टिव कंपाउंड है, और हमारा क्या है इसमें रिटेंशन ही बनता है और इन्वर्जन ही बनता है। दो कंपाउंड हमारे बनते हैं, ठीक है, रिटेंशन ही बनता है और इन्वर्जन ही बनता है, और इसी को कहते हैं हम लोग रेसिपिक मिक्सचर। ठीक है, अब हम लोग फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन टू दी पावर वन। ठीक है, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, यानी कि ये जो हमारा सब्सट्रेट है सी आर वन आर टू आर थ्री बी आर, इस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड नहीं करेगी न्यूक्लियोफाइल यानी कि एच टू ओ की बेसिसिटी पे, हमारी यानी एच टू की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन पर। दूसरा है हमारा, जो हमारा बेस हम लोग लेते हैं वो हमेशा हम लोग वीक बेस लेंगे। ठीक है, वीक बेस लेंगे यानी कि हमारा जो हमारा बेस होगा वो वीक होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एच टू ओ लिया। मान लो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, यानी कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया यानी NaOH लिया या फिर कैल्सियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो रिएक्शन क्या करेगी SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है, तो क्या करेगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तीसरा हमारा हमारा है फीचर कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ही हम लोग फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन, जैसे कि हमारा इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, यानी कि H+ देने वाले हम लोग ऐसे सॉल्वेंट को ही यूज करेंगे। और कौन से हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया, हमारा इथाइल अल्कोहल हो गया और हमारा एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या है सॉल्यूशन में H+ आयंस देंगे। चौथा हमारा पॉइंट होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे कि हमने पहले बता दिया है जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, ये जो हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि हमारी स्लो स्टेप ही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। पांचवा पॉइंट है ये हमारा टू स्टेप प्रोसेस होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है पहले स्टेप पे हमारा कार्बोकैटायन बनेगा और दूसरे स्टेप पे हमारा क्या बन रहा है रिटेंशन या फाइनल कंपाउंड या कि प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, टू स्टेप रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट हमारा पॉसिबल होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन हमारा बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, जैसे कि हमारे हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है या फिर हमारा मिथाइल शिफ्ट हो सकती है या फिर हमारे इसमें फिनाइल शिफ्ट भी इसमें हो सकती है टू गेट स्टेबिलिटी। ये इसलिए होता है कि ताकि हमारा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाए। छठा पॉइंट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि रेसमिक मिक्सचर हमारा क्या है इसमें बनेगा। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर हमारा इसमें बनता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और हमारा रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हमारे इसमें बनेंगे। ये रिटेंशन बनेगा और इसी की हमारी जो मिरर इमेज है वो हमारी रिटेंशन में बनती है। सातवां पॉइंट है हमारा रिटेंशन इज डोमिनेटिंग ओवर इन्वर्जन। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर जो बन रहा है रिटेंशन हमारा बनेगा और हमारा इन्वर्जन डोमिनेट करेगा। ठीक है, इन्वर्जन मतलब क्या है कि इसी का हमारा इसका मिरर इमेज यानी कि OH इधर आ जाएगा। ठीक है, बाकी का हमारा सी आर आर वन आई थ्री इसी का मिरर इमेज में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था सातवां पॉइंट। अब आते हैं हम लोग आठवें पॉइंट पे। लुईस एसिड हमेशा फेवर करता है SN1 रिएक्शन को। जो भी हमारे लुईस एसिड है यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज हमारे फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन को। ठीक है, नॉर्मल हमारा पॉइंट है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर वो फेवर करता है SN1 रिएक्शन को। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा हमारा लो टेम्परेचर वो है वो SN1 रिएक्शन को हमारा फेवर करता है। और दसवां और आखिरी पॉइंट है हमारा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो हमारा होता है टर्शियरी हमारा सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, पहले हमारा टर्शियरी करेगा, टर्शियरी में क्या है हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हमारा तुरंत रिएक्ट कर जाएगा OH- के साथ, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर हमारा प्राइमरी करेगा। ये कई बार हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आता है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN1 में क्या होता है, तो सबसे ज्यादा टर्शियरी हमारा रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो ये हमारी थी SN1 रिएक्शंस की पूरी हमारे मैकेनिज्म और फीचर्स। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SN2। अब हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN2 रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, बायोमोलिकुलर क्यों है, क्योंकि अब ये कंसंट्रेशन, अब जो इस रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिकुलर यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो जैसे कि ये हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है या फिर प्राइमरी हमारे पास एल्काइल क्लोराइड है। ठीक है, इसको जब हम स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ QH के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, PAPS का मतलब है पोलर
अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं ये भी नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर जो है इन्वर्जन होता है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब है कि ये जो सीएल है, ठीक है, और ये जो OH है, इन ये दो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर Cl क्या लगा हुआ है राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पर OH क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब एक तरफ से इन्वर्जन हो गया, यानी कि उल्टा हो गया, और जो हमारा Cl माइनस आयन है वो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अगर वही हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास क्या है, ये CH3Cl है, जब KOH के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, OH माइनस हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पर Cl के, क्योंकि ये Cl माइनस जो है OH माइनस को हमारा आने नहीं देगा, ठीक है। तो क्या है, इसके इसके Cl के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा लगेगा, क्योंकि Cl माइनस हमारा एक बल्कि ग्रुप भी है, तो Cl के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर कहीं जाके OH आएगा और Cl माइनस हमारा रिएक्शन से निकल जाएगा, ठीक है। इससे ये भी आपको पता चल रहा है कि ये वन स्टेप रिएक्शन भी है। तो हम इसकी फीचर्स के बारे में कुछ जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा फीचर है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो हमारा डिपेंड करती है सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पर, ठीक है, जबकि SN1 में ऐसा नहीं था, SN1 से सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड कर रही थी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा हमारा है स्ट्रॉन्ग बेस, हमारा हम लोग यूज करते हैं, वी बेस हम लोग यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो सॉल्वेंट होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, उससे हमारा एक्स माइनस हमारा इजिली रिमूव नहीं हो सकता है अगर हम यहाँ पर वीक बेस लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी ताकि हमारा जो सीएल माइनस है, यानी कि सीएल माइनस यहाँ पर जो है वो इजिली हमारा रिमूव हो जाए, ठीक है। तीसरा हमारा आता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, हम लोग यूज करते हैं, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की जो फ्रीक्वेंट यूज करने वाले हमारे जो सॉल्वेंट है वो एक तो हमारा होता है एसीटोन CH3CO CH3 DMF, हमारा डाइमिथाइल फॉर्माइड, और तीसरा होता है हमारा DMSO, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है हमारा, इसमें कार्बोकेटायन मार्ग का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बीच में हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट आती है और फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये एक तरफ से हमारी वन स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है और तुरंत हमारा जो OH- है उसका अटैक होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा रिएक्शन खत्म हो जाती है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि कार्बोकेटायन का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। पांचवें हमारा आता है कि वन स्टेप रिएक्शन होगी, बिल्कुल सही है, नो रीअरेंजमेंट होगा, जैसा कि हमें ये पता है कि यहाँ पर एक स्टेप में ही रिएक्शन हो रही है और कोई भी हमारा रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, मतलब वहां पर कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है, तो ना हमारा यहाँ पर मिथाइल रीअरेंजमेंट होगा, ना कि हमारा हाइड्राइड हमारा अरेंजमेंट होगा, ठीक है। छठे नंबर पे आते हैं, हमारा इन्वर्जन होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही, इन्वर्जन हमारा होगा, इन्वर्जन हमारा यानी कि उल्टे डायरेक्शन में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा अटैक होगा, ठीक है। सातवें नंबर पे आते हैं, हमारे स्टेबिलिटी जो डिपेंड करेगी वो हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जो हमारा जितना ज्यादा हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। और आठवें नंबर पे आते हैं कि सेम वही है, लो टेम्परेचर हमारा फेवर करता है SN2 रिएक्शन का। नौवें नंबर पे जो रिएक्टिविटी है ये इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो हमारा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हमारा प्राइमरी होगा और सबसे कम हमारा टर्शियरी होगा, ठीक है। और दसवें नंबर पे हमारा आता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करी है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी, ठीक है। जैसे SN1 रिएक्शन में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड नहीं कर रही थी न्यूक्लियोफाइल पे, लेकिन हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर है वो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फीचर्स थे SN1 और SN2 रिएक्शंस का, ठीक है। इस पर बेस्ड आप कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके, और इसके जो रिएक्शन मैकेनिज्म की कई बार आप प्रैक्टिस करें, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।